ध्रुव की कथा से हम सभी परिचित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में यह धारणा है कि प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित किस्से मात्र मिथक हैं, उनमें वैज्ञानिक तथ्य ढूंढना सिर्फ दुराग्रह है। चलिए आज ये दुराग्रह कर ही लिया जाए। आइए ध्रुव की कहानी को विज्ञान की कसौटी पर जांचते हैं। राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र बालक ध्रुव की तपस्या के फलस्वरूप भगवान विष्णु उन्हें वरदान देते हैं। हे ध्रुव, मैं तुम्हें वह स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रह नक्षत्रों, सप्त ऋषियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। विष्णु पुराण में विष्णु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कल्प अर्थात 13,000 वर्ष तक अटल रहने की अनुमति देता हूँ। इस संवाद पर गहन सोच विचार करें तो ज्ञात होता है कि इस प्रसंग में खगोल विज्ञान का गूढ़ रहस्य निहित है। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे पुरस्सरण या पोलैरिस कहते हैं। पृथ्वी को एक पुरस्सरण चक्र पूरा करने में 26,000 वर्ष लगते हैं। इससे पता चलता है कि जब ध्रुव को 13,000 वर्ष रहने की अनुमति दी गई थी, तब ऋषियों को यह ज्ञात था कि पुरस्सरण चक्र पूरा करने में 26,000 वर्ष लगते हैं। 13,000 वर्ष तक ध्रुव के रहने से यह प्रश्न आता है कि अन्य 13,000 वर्ष का क्या? तो आपको बता दें कि हमारे ऋषि मुनि यह भी जानते थे कि एक तारा और है जो 13,000 वर्ष बाद ध्रुव तारे की तरह ही पृथ्वी की धुरी की दिशा में आ जाता है, अतएव अटल दिखता है, और इस तारे का नाम है अभिजीत या वेगा। हमारे ऋषि मुनियों को ऐसे खगोलीय तथ्य वैदिक काल में भी ज्ञात थे। हम अपने धर्म ग्रंथों पर तो संदेह करते हैं, लेकिन जब यही खोज वैज्ञानिक करते हैं तो हम बुद्धिजीवियों को आज के विज्ञान पर बड़े गौरव की अनुभूति होती है। हम भारतीयों को अपने ऋषि मुनि और ग्रंथों की ओर एक बार पुनः मुड़ने की आवश्यकता है, तभी हम अपनी संस्कृति और ज्ञान में छुपे रहस्य की तार्किकता को समझ पाएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।